अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जफर सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट एनालिस्ट मोहम्मद नईम के साथ, और हमारा आज का सवाल है, रेगुलर मार्केट और फ्यूचर मार्केट में क्या फ़र्क है और क्या इन्वेस्टर इन दोनों में ट्रेड कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, नंबर वन तो रेगुलर मार्केट और फ्यूचर मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर, कोई सरमाकार जितने मर्जी लंबे अरसे के लिए ट्रेड कर सकता है, वो शेयर्स को रख सकता है अपने पास खरीद कर, और उसके बाद उसको जो कंपनीज है, अगर वो अच्छी कंपनीज है, कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है उसने, तो उसको पे आउट भी मिलेगा, यानी कि डिविडेंड और बोनसेस भी मिलेंगे। जबकि फ्यूचर मार्केट्स में जो ट्रेडिंग है वो कंट्रेक्चुअल बेसिस है, तो एक कंट्रेक्चुअल बेसिस, जब तक वो कंट्रैक्ट ख़त्म होगा तो उसे ख़त्म करना है, रोल ओवर करना है अगले कंट्रैक्ट में, और वहाँ पर कोई पे आउट का सिलसिला बिल्कुल नहीं है, यानी कि कोई डिविडेंड या बोनसेस नहीं मिल सकते। जबकि दोनों मार्केट्स में एक सरमायाकार एक वक्त पर ट्रेड कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका।